मीर चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने मीडिया से खसूसी खिताब करते हुए तमाम सरपरस्तों से कड़ी गुजारिश की है कि वो अपने माइनर बच्चों को गाड़ियां चलाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा कि एक साल कबल इनका मीर चौक में ट्रांसफ़र हुआ है, तभी से वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इनके हदूद में माइनर ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। इन्होंने कहा कि इंतहाई कम उम्र बच्चे, तकरीबन 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे भी मसरूफ़ तरीन सड़कों पर रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं और कई सारे हादसात का शिकार भी हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आला अहलकारों की हिदायत पर बड़ी ही बाकायदगी से मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद के तहत तमाम गाड़ियों की खसूसी तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी व सारी है। मज़ीद कहा कि ऑटो ड्राइवर्स को भी बिना यूनिफॉर्म पाए जाने पर चालाना तायद किए जा रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने तमाम सरपरस्तों से कड़ी गुजारिश की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। गुड आफ्टरनून, अब मैं मीर्चा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन बात कर रहा हूँ। अब कम से कम एक साल हुआ मीर्चा ट्रैफिक PS आके, यहाँ पर डेली हम लोग चेकिंग स्पेशल ड्राइवर्स वगैरह सुपीरियर ऑफिसर्स के हिसाब से चलते रहते हैं। हम लोग डेली रेगुलर MVR केसेस डालते रहते हैं, उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्या करें हम लोग मीर्चा ट्रैफिक PS लिमिट्स में, छोटे बच्चों को पेरेंट्स इतना अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे 14 ईयर्स, इवन दो 12 ईयर्स बच्चे भी ट्रैफिक गाड़ी लेके जाके पकड़े जा रहे हैं। रिसेंटली एतबार चौक के पास भी ऐसे ही हुआ, 12 साल के बच्चे भी टू व्हीलर चलाए तो एक्सीडेंट्स होते, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आवाम को और पेरेंट्स को मीर चौक लिमिट्स में हम लोग ये बता रहे हैं कि किसी के बच्चे को इतना बगैर लाइसेंस के गाड़ी मत दीजिए और हेलमेट कंपलसरी वियर करना है। और इतना अवेयरनेस हम लोग डेली हमारे ऑफिसर्स के हिसाब से कर रहे हैं, इवन दो ऑटो ड्राइवर्स भी यूनिफॉर्म बगैर यूनिफॉर्म के जा रहे तो भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ड्राइवर बोल के पहचानना है बोले तो अपन को ऑटो ड्राइवर कंपलसरी यूनिफॉर्म पहना है। सो एक एक सीट बेल्ट के हिसाब से यहाँ पर मीर चौक लिमिट्स में ये ज़्यादा है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनर बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, इस पर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग भी मीडिया में वहाँ भी इसको पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सो हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि पब्लिक को और पेरेंट्स को और स्कूल के बच्चे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। सो अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेके ही वो एज आए तो ही अपन ड्राइविंग करने का पेरेंट्स को हम लोग अपील कर रहे हैं कि गाड़ी मत दीजिए किसी को। ये ट्रैफिक PS से मोहम्मद नईमुद्दीन, मैं आप लोगों को अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ज़्यादा के तरह से अभी जो प्रोग्राम्स ज़्यादा चल रहे हैं मीर चौक लिमिट्स में, अभी मुहर्रम एक चल रहा है वहाँ पर और दूसरे बोनाल चल रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, उसमें भी ज़्यादा बच्चे बहुत स्पीड चला रहे हैं और बगैर लाइसेंस के पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक एक ट्रिपल रेडिंग अंडर 15 ईयर्स के भी ले रहे हैं और बहुत स्पीड से, और जैसा रोड है वो रोड के हिसाब से लेफ्ट साइड से जाना टू व्हीलर से, राइट साइड से एक व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके बाद में या सिक्स व्हीलर, वो हिसाब से जाना है, वो कटिंग मारना और रॉन्ग रूट पे आना, ऐसा बहुत सारे चल रहे हैं। हम लोग उस पर अवेयरनेस कर रहे हैं, स्पेशल ड्राइव्स कर रहे हैं। सो हम लोग आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि बच्चों को गाड़ी बगैर बोले के भी लेके जा रहे हैं, सो ऑब्जर्व करें। हम लोग घर में चाबी रहे तो लेके गए बोल के पेरेंट्स बता रहे हैं, सो उसके हिसाब से एहतजाज करें, बच्चे कोई भी ऐसा ना चलाए, ना कुछ, ना खुदा ना खास कुछ ना हुए, उसके ऊपर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम में उसको अपील कर रहे हैं। इसके हमारे मीर चौक ट्रैफिक PS के लिमिट से और हमारे ट्रैफिक हैदराबाद सिटी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि किसी को बगैर लाइसेंस के गाड़ी मत दीजिए।